तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और आप कल मैं अभी राजस्थान से लौट के आया था। तो पहले तो एक काम करो आप लोग, अपने छोटे भाई का चैनल बिल्कुल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। तुम्हारे छोटे भाई का चैनल है यार, इसे सब्सक्राइब जरूर करो यार। तो हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, तो कल मैं राजस्थान से रात को 3 बजे लौटा हूँ, तो अभी मॉर्निंग के 11:22 हुए। मैं अभी सोकर उठा हूँ, अभी मैं जल्दी से नहाता हूँ, और नहाने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो थार राइडिंग थी और जो इधर उधर जाना था उनमें लोगों से थार राइडिंग, मतलब कि वहाँ पे जो भी एडवेंचर करना आपको, वहाँ पे लोगों से बार्गेनिंग कैसे करनी है, वहाँ पे जो कपड़े सूट जो मैंने पहन के वीडियो डाले, मतलब कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में है, बट वो आपको ऐसे रेट बताएंगे कि आप उसमें से कितना भी कम करोगे तो आपको लगे कि नहीं मैंने बहुत कम करा लिया, लेकिन उनको पता है कि आप इतना जरूर जरूर कम कराओगे तो आपके लिए वो इतना ही हाई रेट बता रहे हैं। इसलिए आप को मैं ऐसी ट्रिक या टेक्निक बताऊंगा कि आप वहां जाइए और आपके साथ ज्यादा, मतलब कि आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और कम प्राइस में आप घूम सकेंगे। तो अभी मैं जल्दी से नहा के आपको आगे की बात बताता हूँ और अपने ब्लॉग बनाता हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं छोटे भाई का चैनल तो है। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्कीम एक लाया हूँ, तो मैं वो स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो छोड़ के बाकी सबका वीडियो देखते हो, ठीक है, अब मेरा भी देखो तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा। थोड़ी सी देर देखना है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो में एक, मतलब कि बीच में एक कोड डालूंगा, ठीक है, मेरे लास्ट तक देखना। वीडियो में कोड डालूंगा, वो कोड किस जगह पे होगा ये किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, जो मेरा वीडियो पूरा देखेगा, ठीक है। और जो कोड होगा उस कोड को फर्स्ट कमेंट में लिखेगा, मैं उसे 51 रुपये तुरंत पेटीएम करूंगा या फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से दूंगा। अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे व्यूवर्स ज़्यादा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखते जाओगे, सब्सक्राइब करते जाओगे, वैसे वैसे मैं ये स्कीम का पैसा भी बढ़ाऊंगा। तो आज मेरे इस कोड को जो सबसे पहले कमेंट में लिख देगा, मैं उसे 51 रुपये तुरंत दूंगा, विथ लाइव प्रूफ के साथ मेरे कल वीडियो में आएगा कि मैंने उस बंदे को 51 रुपये दिया। तो मैं आप लोग को बताने वाला था कि आप लोग पुष्कर जाएंगे तो आपको कैसे वहाँ पे बार्गेनिंग करनी, क्या करनी। तो अभी मैं नहा के आया हूँ, थोड़ा सा काम करने लगा था, काफ़ी दिन के मेरे कपड़े वपड़े हो गए थे तो उनको भी धुलने थे, तो कपड़े धुलने लगा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाएं डेजर्ट में, तो वहाँ पे अगर आपको थार करनी या कैमल करनी है, या वॉकिंग वाला तो फ्री होता है, वो अपना ही होता है, या फिर अपनी गाड़ी से जाना है तो जा सकते हैं। अगर वहाँ पे आपसे बोलें कि आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, लेकिन बट आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, वो आपकी गाड़ी पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी जाने लायक है या नहीं। तो अगर आप, अगर वो आपको पूरी जो वहाँ पे जो मैनेजर होगा उस राइड का, मतलब कि उस वहाँ पे बैठा होगा, वो आपको सीधे बिल्कुल ऐसे बात करेगा जैसे पूरी स्क्रिप्ट उसने लिख रखी हो, इस लाइन पे इस लाइन, मतलब कि एक एक लाइन वो वैसे बोलेगा, हर बंदे से बोलेगा, कोई बंदा जाए। और याद रखिएगा वहां पे एक दुकान नहीं, काफी ज्यादा दुकानें हैं, तो आप उससे बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे वो नहीं मान रहा है तो आप कह दो कि मैं जा रहा हूं, मैं दूसरी जगह पे अपना बात कर लूंगा। आपको एजेंट लेके जाता है तो अपनी जगह ऐसे लिख जाएगा और आपको देख के बता देगा कि आप इतने रुपए दे सकते हो। तो इसलिए आप, मैं आपको बोला, अगर आप थार वाली करिएगा तो आप 2 या 2.5 हजार से आप उसे 1 रुपया ज्यादा मत दीजिएगा, वो आपको 6 हजार रुपये बताएंगे। जब वो 6 हजार रुपये बताएंगे तो आप समझ लीजिए, आप सोचोगे यार 6 हजार बता रहा, 500 कम करा ले, 1000 2000, बट आप इतना कम मत कराइएगा, सीधे आप हाफ से भी थोड़ा कम आइएगा। क्योंकि आप खुद एवरेज लगाइए, अगर 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चलती भी है उनकी, तो उसमें से ज्यादा उनका तेल 4 लीटर खर्चा होता है, जो कि डीजल ही गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोल तो वहां मिलेंगे नहीं। तो 400 रुपये का मान लो उनका तेल हो गया, जो ड्राइवर है उसकी मजदूरी दिहाड़ी अगर आप निकाल लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा दिन की दिहाड़ी 500 1000 रुपए मान लेते हो, तो 1400 रुपए होती है। गाड़ी का खर्च भी निकाल दो 500 रुपए, तो 2000 रुपए होता है। बाकी आप वहां पे समझ लो 2 2.5 हजार से ज्यादा देना बेकार है, तो आप इतना तो समझ गए। उसके बाद वहां पे जाएंगे तो आपको वो बंदा लेके जाएगा बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप गाड़ियां, मतलब कि जहाँ पे आप ड्रेसेस पहन सको, जो उसमें मैंने ड्रेस पहन रखी, तो ड्रेस के रेट इतने हाई फाई बताएगा जितने की ड्रेस नहीं, उससे ज्यादा तो उसके रेट बता देगा वो, पहली बात। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे जो ड्रेस लेनी है,
तो ड्रेस के रेट ये समझ लो 800 रुपये 700 रुपये बताएगा, लेकिन आपको वो, लेकिन ड्रेस के रेट आपको पहले बोलेगा कि इतने रुपये चलिए दे देंगे, ठीक है। अगर आप कपल्स हो तो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है 500 में दे दूंगा, लेकिन जब आप लौट के आओगे तो वो आपसे 1000 रुपये चार्ज कर लेगा। तो आप ये याद रखिएगा, आपको बोलना कि मुझे दोनों ड्रेस के रेट टोटल बताओ कितने दोगे, तो आप उसके टोटल रेट करा लीजिएगा, तो जिससे आपको ठीक रहेगा, नहीं वो आपके डबल रेट लगा देगा उतने परसेंट जितने आप बार्गेनिंग करके जाओगे आपसे कोई। मैंने भी इतना ही किया था, मैंने 500 बोला था दोनों के, लेकिन बट उसने बोला कि मैंने 300 लगा दिए, 300 लगा दिए, चिल्लाने लगा, मुझको लगा कम कर दिया, लेकिन जब आया तो उसने दोनों के रेट सेम लगा दिए। अब इससे मुझको हो गया नुकसान, ठीक है। तो जब मुझे इससे नुकसान हो गया तो फिर मेरे तो 600 चले गए, लेकिन अब मुझे पता चल गया, तो मैं चाहता हूँ मेरे जितने भाई लोग वहाँ जाएँ तो उनको ये प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। उसके बाद वहाँ पे गाड़ी जो मैंने चलाई थी उसके भी रेट बहुत 1800 रुपये बताएगा आपको लगभग, लेकिन आपको इतने रुपए नहीं देने, सीधे आपको 300, 400, 500 बस, इससे ज़्यादा ना गाड़ी वो चलवाते हैं, ना उनका तेल लगता है, ना कुछ लगता है, सीधा चूतिया बनाने के फंडे हैं। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि आपको इससे ज़्यादा रुपये नहीं देने हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो वहाँ पे गए थे हम लोग, क्या बोलते हो, हाँ वो आपको दिखाएंगे, मैं ये हवेली दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, वहाँ पर्सनल भी जा सकते हैं, आपको अपना बजट देख के चलना है और इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आप बहकावे में आते हो तो ये समझ लो आपका सब बेकार है, आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कीजिएगा और बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैं अभी खाना खाने जा रहा था, तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले मैं अपने डॉगियों को जरा सी ध्यान दे दूं, कि मेरे छोटे छोटे मेरे जो कुत्ते हैं उनके बच्चे हुए हैं, तो मैंने सोचा उनने खाना खाया कि नहीं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत अच्छे सो रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे डॉगी के बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए, जिसमें से एक फीमेल है और बाकी 3 मेल है। तो अभी मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी मेरी बता रही कि खाना खा चुके, मम्मी वो खाना खा चुके हैं ना, हाँ वो खाना खा चुके हैं, तो फिर अब मैं आराम से खाने जाता हूँ। और ये अन्नु खाना ला चुकी है, और ये बताओ खाना टेस्टी बना है कि नहीं बना है, खाना खाना और खा के बताना टेस्टी बना है या नहीं है। तो ये देखो मैं खा देता हूँ, ये दाल सब्जी चावल एंड भरुए तरुई की सब्जी बनी है, जो कि देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, और हम दोनों इसको खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं खाना खा के अपने कमरे से बाहर आया हूँ, तो बाहर देखा तो कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैं टहलने के लिए निकला था, और लेकिन अब मैं टहल ले सकता हूँ इतनी जोर की बारिश हो रही है, ये देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है आज तो बिल्कुल। क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझको कि इस टाइम आपके यहाँ पर बारिश हो रही है। देखिए अमरूद के पेड़ बिल्कुल फल लग चुके हैं, और बिल्कुल अमरूद इस बार बरसात का हो रहा है, अमरूद की बात है, स्कूल नहीं गई थी, आज संडे था, आए ना लिया ना, हाँ सही है, आए क्या साइकिल को झूला है, 37 को खुला है, साइकिल को धुला है, वो आज मेरी पीड़ा ने साइकिल को धुला है, तो बताती घूम रही सबको कि आज मैंने साइकिल को धुला है। बरसात में बढ़िया इनके, मेरी ओली के बच्चे सो रहे हैं, और मेरे डॉबी का पता नहीं है वो कहाँ पे है, ओली ओली, ये देखो उनकी मम्मियाँ ये सो रही हैं, ये ओली बड़े ओली, क्या हुआ क्या हुआ, आए बच्चों को दूध नहीं पिलाओगी, आओ दूध पिलाओ आके, अच्छा लेटी है यहाँ पे, आए और डॉबी कहाँ है भाई लोग। अभी एकदम से बारिश बंद हुई है, तो मैंने सोचा लाओ अपनी छत पे चला जाऊं और देखूं कि मौसम कैसा हो रखा है, लेकिन मौसम इस समय बहुत ही बेहतरीन हो रखा है, जिसको देख के मज़ा ही आ गया। ये देखिए आप मौसम देख सकते हैं कितना साफ़ और एकदम प्रदूषण बिल्कुल साफ़ हो रखा है। ये पीर भाई है मेरा, ये जतिन भाई हैं, और ये मेरी ओली है, जो सब मौसम का मज़ा लेने एकदम छत पर आ चुके हैं। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या करते हो बे, ये क्या करते हो, ये क्या था, ये कौन सी स्टाइल है आपकी, ये क्या है बे, ये क्या है,
अभी मेरा फ्रेंड है जो कि प्रयागराज से आ रहा है, जिसका कल एग्ज़ाम है, तो उसे एग्ज़ाम सेंटर नहीं पता है, तो मैं उसको लेने के लिए घर से जा रहा हूँ। मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। रीरा गेट को खोल दो, मुझे जाना है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से और अपने दोस्त को लेके फिर आता हूँ मैं। तो मेरे जो दोस्त प्रयागराज से आए थे तो वो लोग मिल गए, तो अब हम लोग पार्टी कर रहे हैं। क्यों भाई, प्रयागराज से आने में कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? हाँ, तो अभी हम लोग अल्फा नाइट लॉन्ग में बैठे हैं जो, अरे हाँ यार भाई ठीक है, जो भी है यार, रोज नहीं आते ना इसीलिए पता नहीं था। तो अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं और इसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगा। और जिसको भी यहाँ पे आना हो ना, बहुत ही अच्छी जगह, चीपेस्ट प्राइस में आपको हर फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जाएगी, और दोस्तों के साथ आप यहाँ पे लूडो भी खेल सकते हैं जिसका टूर्नामेंट चलता रहता है। हाँ तो दोस्तों मैं अपने घर आ चुका हूँ और ये मेरा डिनर भी रेडी हो गया है। आज यहाँ पे बरसात थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो डिनर पे पकौड़े बने हैं और पकौड़े खाने जा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू।